तो टॉपिक है व्हाट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। देखो जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं वो क्या होती हैं। सपोज ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है और मान लो ये एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, एक ग्राउंड है, एक ब्लॉक है। अगर मैंने इस ब्लॉक को राइट मूव करवाना है तो फ्रिक्शन बोलो कहाँ एक्ट करेगी, ब्लॉक के ऊपर लेफ्ट। तो ये देखो जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो कहाँ एक्ट कर रही है, लेफ्ट। ये फ्रिक्शन किसने लगाई, ग्राउंड पे, ग्राउंड ने लगाई। किस पे लगाई, ब्लॉक पे लगाई। तो ये क्यों हुई, ये फ्रिक्शन क्यों आई, क्योंकि दो बॉडीज किस में है, कॉन्टैक्ट में है, तो फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू अगर ब्लॉक पे लेफ्ट है तो ग्राउंड पे राइट है, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो पहला पॉइंट क्लियर है। तो इसके लिए ब्लॉक के लिए पहली कॉन्टैक्ट फोर्स है। अच्छा, दूसरी, ये ब्लॉक नीचे की तरफ ग्राउंड पे क्या लगा रहा है, वेट। तो बदले में जो ग्राउंड है वो इस ब्लॉक के ऊपर क्या लगाएगा, रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो एन नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स है क्योंकि कॉन्टैक्ट में होने की वजह से ये लगी। फ्रिक्शन भी कॉन्टैक्ट फोर्स है क्योंकि ब्लॉक और ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में होने की वजह से ये लगी। तो एन और एन क्लियर है, एन और एफ क्लियर है। अब इसके अंदर दो कॉन्टैक्ट फोर्सेस ब्लॉक के ऊपर काम कर रही हैं। नेट कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स है, आप इसका एक क्या ड्रॉ करेंगे, रिजल्टेंट लेंगे, पैलोग्राम। तो ये आपके पास क्या आएगी, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो ब्लॉक की नेट कॉन्टैक्ट फोर्स इसके इक्वल रहेगी। क्लियर है। अब दूसरी बॉडी कौन है इसमें ब्लॉक के साथ, ग्राउंड है। ग्राउंड के ऊपर फोर्स कितनी लगी, एम जी। क्यों लगी, क्योंकि ब्लॉक किस में आया, ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट में, तभी तो ब्लॉक ने इसके ऊपर फोर्स लगाई एम जी। हवा में उड़ता ब्लॉक तो नहीं लगाएगा। और दूसरी, फ्रिक्शन भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो ग्राउंड की अगर कॉन्टैक्ट फोर्स निकालनी है तो फिर से नीचे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक पैलोग्राम। तो इसकी जो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स है वो एफ स्क्वायर प्लस क्या बनेगी, एम जी का स्क्वायर। चाहे ऐसे कैलकुलेट कर लो, चाहे ऐसे कैलकुलेट कर लो, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, एग्जैक्टली सेम। और डायरेक्शन भी क्या आएगी, एग्जैक्टली ऑपोजिट। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस समझ में आ रही है, अगर ग्राउंड पे निकालने तो कैसे, ब्लॉक के निकालनी है तो कैसी, तो ब्लॉक के ऊपर कॉन्टैक्ट फोर्सेस के इक्वल है, ये याद रखना है।